टुडे वी विल डू हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक ब्यूटी चैप्टर नंबर 3. ब्लैक ब्यूटी इज अ स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. ब्लैक ब्यूटी जो है वो एक घोड़े के द्वारा बताई गई स्टोरी है. मतलब इसका जो नरेटर है, स्पीकर है, वो कौन है? हॉर्स बता रहा है. हॉर्स बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी की कहानी कैसे थी, उसकी ज़िंदगी कैसे बीती. इट डिस्क्राइब्स, यह डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है द जर्नी ऑफ हिज केयरफ्री डेज एज अ कोल्ट. उसकी केयरफ्री डेज की जर्नी बता रहा है एज अ कोल्ट. कोल्ट मीन्स जब वो एक छोटा सा बच्चा था. हॉर्स एक छोटा सा बच्चा था तो उसको क्या कहते हैं? कोल्ट. On an English farm with his mother to his difficult life in London. उसकी लाइफ की जर्नी एक छोटे बच्चे से जो कि इंग्लिश फॉर्म में अपने मदर के साथ केयर फ्री लाइफ जी रहा था वहाँ से शुरू होती है और आगे चलती है. उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है जब वो लंदन में होता है. टू हिज डिफ़िकल्ट लाइफ इन लंदन. इट आल्सो नरेट्स the tale of his happy retirement in the country. It also narrates, वो और बताता है the tale of his happy retirement, एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुशी से retire हुआ. retire हुआ मतलब उसका काम खुशी खुशी ख़त्म हुआ. in the country, जब वो country में रह रहा था. Let us read about one of the incidents in his life. जो बहुत सी इंसिडेंट्स थी उसकी लाइफ की, उनमें से एक इंसिडेंट हम नीचे पढ़ेंगे और समझेंगे. द लॉन्गर आई लिव्ड एट वर्टविक हॉल द मोर प्राउड एंड हैप्पी आई फेल्ट एट हैविंग सच अ प्लेस. तो हॉर्स कहता है कि जब तक मैं वर्टविक हॉल में रहा, द लॉन्गर आई लिव्ड, जितनी देर तक, जितने लॉन्ग टाइम पीरियड तक मैं बर्टविक हॉल में रहा, द मोर प्राउड एंड हैप्पी आई फेल्ट, उतना ही मुझे प्राउड गर्व फील होता था और हैप्पी होता था, मैं खुश होता था. एट हैविंग सच अ प्लेस, मुझे खुशी होती थी कि मैं एक इतने अच्छे प्लेस पे रह रहा हूँ. आवर मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय ऑल हु न्यू देम. जो उस घोड़े के मास्टर और मिस्ट्रेस मतलब मालिक और मालकिन थे, वर रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय ऑल, उनको हर कोई रिस्पेक्ट करता था और उनसे प्यार करता था, उनसे इज्जत से बात करता था. ऑल हु न्यू देम, जो भी आसपास के लोग उनको जानते थे, नेबर्स या फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स, सब उनसे प्यार करते थे. दे वर गुड एंड काइंड टू एवरीवन एंड एवरीथिंग, वो हर एक पर्सन से प्यार करते थे, गुड थे, काइंड थे, मतलब अच्छा व्यवहार करते थे हर किसी से और हर चीज़ से, एवरीथिंग से, जैसे प्लांट्स है वो उनसे भी प्यार करते थे. नॉट ओनली मैन एंड वुमेन बट हॉर्सेज एंड डंकीज, डॉग्स एंड कैट्स, कैटल एंड बर्ड्स. हॉर्स कहता है कि वो सिर्फ आदमी और औरत से ही नहीं, मतलब इंसानों से ही नहीं प्यार करते थे, वो जानवरों से भी प्यार करते थे. तो उसके लिए वो कहता है कि वो नॉट ओनली मैन और वुमेन से प्यार करते थे बट हॉर्सेज एंड डंकीज, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गायें, बर्ड्स, भैंस, सबसे प्यार करते थे. देयर वॉज नो ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड का मतलब है ट्रीटेड क्रूअली और अनफेयरली, वो किसी से भी अनफेयरली बिहेव नहीं करते थे, सबसे अच्छा बिहेवियर करते थे, क्रूअल नहीं थे वो किसी के लिए भी. एंड इल और इल यूज्ड क्रिएचर दैट हैड नॉट अ फ्रेंड इन देम. देयर वाज नो ऑप्रेस्ड और इल यूज्ड क्रिएचर, मतलब कोई भी ऐसा क्रिएचर नहीं था जिससे वो बुरी तरह से बात करे और जो उसका फ्रेंड नहीं था, सब उनके फ्रेंड थे. एंड देयर वर्कर्स टुक द सेम टोन, और जो उनके वर्कर्स थे, उनके वहाँ काम करते थे, वो भी उसी तरह से बात करते थे जैसे मालिक और मालकिन बात करते थे. इफ़ एनी ऑफ द विलेज चिल्ड्रन वर नोन टू ट्रीट एनी क्रिएचर क्रूअली
दे सून हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द हॉल। विलेज में, उनके गांव में, अगर कोई बच्चा किसी क्रिएचर को, मतलब किसी भी जानवर को बुरे तरीके से ट्रीट करता था, क्रूअली बिहेव करता था, तो उन्हें हॉल में बैठे बैठे ही पता लग जाता था। वो इस चीज़ की नज़र रखते थे और ताकि कोई जो एनिमल्स पे अत्याचार ना करे, तो इस चीज़ की वो नज़र रखते थे कि सबका जो बिहेवियर है वो एनिमल्स के प्रति अच्छा होना चाहिए। माई मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क टुगेदर फॉर मोर देन 20 ईयर्स टू गेट चेक्रेन्स ऑन द कार्ट हॉर्सेस डन अवे विद, एंड इन अवर पार्ट्स यू रेयरली सो देम, एंड समटाइम्स इफ मिस्ट्रेस मेट अ हैवली लेडन हॉर्स शी वुड स्टॉप द कैरिएज एंड गेट आउट एंड टेल द ड्राइवर इन हर स्वीट सीरियस वॉइस हाउ फुलिश एंड क्रूअल इट वॉज। घोड़ा कहता है कि मेरे मास्टर और फार्मर ग्रे, ग्रे नाम के जो फार्मर थे, उन्होंने मिलकर, मेरे मालिक ने और ग्रे नाम के फार्मर ने मिलकर, हैड वर्क टुगेदर, इकट्ठे वर्क किया, फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल तक वो इकट्ठे काम कर रहे थे, टू गेट चेक रेंस ऑन द कार्ट हॉर्सेस डन अवे विद, ताकि जो चेक रेंस है कार्ट हॉर्सेस पे लगाया जाता है उसको वो हटा सके। दिस इज अ कार्ट, ये एक कार्ट है और ये चेक रेंस है, ये चेक रेंस रिमूव करने की 20 साल से वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो ये चेक रेंस है इससे जो घोड़ा है वो उसको चुभता है, घोड़े को परेशानी होती है। तो ये कार्ट है, इस कार्ट के साथ जब घोड़े को बांधा जाता है तो इसको कहा जाता है कार्ट हॉर्स। एंड इन अवर पार्ट्स यू रियली सो देम, और हमारे पार्ट्स में, मतलब जहाँ वो रहते थे हॉर्सेस, वहाँ पे हमें चेक रेंस बहुत कम दिखाई देते थे, मतलब यूजुअली उन्होंने सबके चेक रेंस लगाना छुड़वा ही दिया था, रेयरली का मतलब बहुत कम देखोगे आप उसको। एंड समटाइम्स इफ मिस्ट्रेस मेट अ हैवली लेडन हॉर्स, हैवली लेडन, लेडन का मतलब है लोडेड, मतलब बहुत सारा सामान लदा हुआ। इफ मिस्ट्रेस मेट अ हैवली लेडन हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा देखती थी हमारे मालकिन जिसके ऊपर बहुत सारा सामान लोडेड हुआ हुआ होता था, शी वुड स्टॉप द कैरिएज, वो उसको स्टॉप करती थी, एंड गेट आउट, और उसका सामान हल्का करती थी, एंड टेल द ड्राइवर इन हर स्वीट सीरियस वॉइस हाउ फुलिश एंड क्रूअल इट वॉज। और जो उस घोड़े का ड्राइवर होता था उसे अपनी प्यारी पर सीरियस, मतलब गंभीर आवाज में उसे बताती थी कि वो कितना पागल है, फुलिश है और निर्दयी है, क्रूअल मीन्स निर्दयी है, कि वो एक घोड़े के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे इतना लोड नहीं लेना चाहिए। आई विश ऑल लेडीज वर लाइक माई मिस्ट्रेस, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं, लेडीज हैं, वो सारी मेरी मिस्ट्रेस, मेरी मालकिन की तरह बने। अवर मास्टर टू बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल, मेरा जो मास्टर था, मालिक था, वो भी यही बिलीव करता था कि हमें हर एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, वी शुड ट्रीट देम वेल। आई रिमेम्बर ही वॉज राइडिंग मी towards home one morning when we saw a powerful man driving in a little pony cart. Horse कहता है कि मुझे याद है, I remember, remember means मुझे याद है, he was riding me, मतलब उसका master उसे ride करके कहीं लेके जा रहा था, towards home, घर की तरफ लेकर जा रहा था, one morning, सुबह सुबह, when he saw a powerful man, जब उसने एक powerful man को देखा, ड्राइविंग इन अ लिटल पोनी कार्ट, एक छोटे सी पोनी कार्ट को ड्राइव करते हुए लेके जा रहा था, विद अ ब्यूटिफुल लिटल बे विद स्लेंडर लेग्स, और बे का मतलब होता है रेडिश ब्राउन हॉर्स विद अ ब्लैक मेन एंड टेल, रेडिश ब्राउन कलर का हॉर्स होता है जिसकी ब्लैक कलर की फर होता है और टेल होती है, विद स्लेंडर लेग्स एंड अ सेंसिटिव फेस, उसकी जो लेग्स हैं वो सिलेंडर शेप की हैं, गोल गोल हैं, एंड अ सेंसिटिव फेस, मतलब बहुत ही प्यारा इनोसेंट सा फेस है उसका।
जस्ट एज ही केम टू द पार्क गेट्स द लिटिल थिंग टर्न टूवर्ड्स देम। तो हॉर्स कहता है जैसे ही हम पार्क के गेट के पास आए वो लिटिल पोनी एकदम से उधर उनकी तरफ टर्न हुआ, मतलब मुड़ा। द मैन विदाउट वर्ड और वार्निंग टर्न द पोनीज हेड विथ सच अ फोर्स एंड सडननेस दैट इट नियरली फेल। जो मैन उसके ऊपर बैठा हुआ था वो उसने बिना कुछ बोले हॉर्स को, बिना कोई वार्निंग दिए, इतने जोर से उसके हेड को खींचा चेक रेन से, इतने फोर्स लगाया कि जो घोड़ा था वो गिरने को हो गया, फेल होने को हो गया सडनली। रिकवरिंग इट्सेल्फ इट वॉज गोइंग ऑन। फिर घोड़े ने अपने आप को संभाला, पोनी ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लग गया, वो गिरने से बच गया। When he hit it furiously, फिर उसने उसे बहुत ही furiously, मतलब angrily, उसे hit किया। जो पोनी का मालिक है वो उसे furiously, मतलब गुस्से में hit कर रहा होता है, चाबुक से मार रहा होता है। The pony plunged forward, plunged का मतलब है moved suddenly। जो पोनी है वो थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट द मैन्स हैंड हेल्ड द पोनी बैक विद फोर्स एनफ टू हर्ट इट्स जो। जो मैन है वो इतनी जोर से ये चेक रेंस को खींचता है कि उसका जो जो है माउथ है वहाँ पे जो चेक रेंस बंधे हुए हैं वहाँ पे कट पड़ जाता है, टूट जाता है वो, यहाँ से हल्का सा हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है। वाइल द विप स्टिल कट इन टू इट, और जो चाबुक है उससे वो उसको लगातार मार भी रहा होता है। इट वॉज अ ड्रेडफुल साइट टू मी। तो हॉर्स कहता है कि ये एक बहुत ही ड्रेडफुल साइट थी मेरे लिए, मतलब एक्सट्रीमली बैड, उसको ये देखकर बहुत बुरा लगा कि वो पोनी से इतना बुरा बिहेवियर कर रहा है। बट मास्टर आस्क मी टू स्पीड अप। जो मेरा मास्टर था वो मुझे कहता कि जल्दी से आगे चलो। एंड वी रीच द कार्ट इन अ सेकेंड, और हम उस कार्ट के पास एक सेकंड के अंदर पहुंच गए। स्वेयर ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस, इज दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मास्टर कहता है, मतलब घोड़े का मालिक कहता है, स्वेयर, स्वेयर कौन है, ये जो पोनी का मास्टर है। स्वेयर ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस, मास्टर ने बोला जोर से एक स्टर्न वॉइस में, इज दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। वो कहता है क्या इस घोड़े में हड्डियाँ नहीं है, सिर्फ खून और फ्लैश का बना हुआ है, जो तुम इसको मरोड़े जा रहे हो, इतना मरोड़ रहे हो कहीं उसकी हड्डियाँ टूट जाए। तो वो प्रश्न पूछता है गुस्से में कि क्या उसके अंदर हड्डियाँ नहीं है, बोन्स नहीं है। फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर ही सेड। तो स्वेयर कहता है कि हाँ फ्लैश एंड ब्लड का बना हुआ है और बहुत टेम्पर भी है, इसमें गुस्सा भी है। इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल। वो कहता है कि ये अपनी ही चलाना चाहता है, इसलिए मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूँ। एंड आई डोंट लाइक दैट। जो ये अपनी चलाता है तो वो मुझे पसंद नहीं है। ही वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू अवर प्लेस ऑन बिजनेस। ही वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू अवर प्लेस ऑन बिजनेस। हॉर्स कहता है कि वो एक बिल्डर था। कौन? स्वेयर। स्वेयर वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू अवर प्लेस। अपने बिजनेस के काम से वो हमेशा उनके यहाँ आता रहता था। एंड डू यू थिंक, सेड मास्टर स्टर्नली। उसके मास्टर ने, मालिक ने स्टर्नली पूछा स्वेयर से, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट ट्रीटमेंट लाइक दिस विल मेक इट लिसन टू यू, कि इस तरह की ट्रीटमेंट अच्छी है और तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से तुम्हारा जो पोनी है वो तुम्हारी बात सुन लेगा। इट शुड हैव नॉट हैव टर्न्ड टुवर्ड्स योर प्लेस। स्वेयर कहता है कि उसे तुम्हारी जगह की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए था। द रोड वॉज स्ट्रेट ऑन। सड़क सीधी थी पर वो तुम्हारे तरफ मुड़ गया। सेड द मैन रफली। स्वेयर ने रफली कहा, रूडली बात करके कहा, गुस्से में कहा।
यू हैव ऑफन ड्राइवन दैट पोनी अप टू माई प्लेस, सेड मास्टर. तो मास्टर ने कहा, मेरे मालिक ने कहा कि तुम हमेशा अपने पोनी को मेरे यहाँ मेरे प्लेस पर लेकर आते रहते हो. इट ओनली शोज द क्रिएचर्स मेमोरी एंड इंटेलिजेंस. इससे सिर्फ इस क्रिएचर की, तुम्हारे पोनी की इंटेलिजेंस और मेमोरी पता चलती है कि उसे याद था कि तुम हमेशा यहाँ से मुड़ते हो, इसलिए वो उधर मुड़ गया. हाउ डिड इट नो दैट यू वर नॉट गोइंग देयर अगेन. वो कह रहा है, मालिक कहते, घोड़े का मालिक कहता है कि तुम्हें, उसको तुम्हारे पोनी को कैसे पता लगेगा स्वेयर कि तुम्हें दोबारा से इधर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि घोड़े को, पोनी को लगा कि तुम हर बार इसी मोड़ पे मुड़ते हो, तो वो मुड़ गया. उसे नहीं पता था कि तुम्हें इस बार स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना है. आई मस्ट से मिस्टर स्वेयर दैट आई हैव नेवर विटनेस्ड अ मोर ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ अ लिटिल पोनी. मिस्टर स्वेयर को कहते हैं मालिक कि मैंने कभी भी ऐसी ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स क्रूअल एंड वायलेंट, मतलब इतने गुस्से से, इतने गंदे तरीके से किसी छोटे से पोनी से बिहेव करते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा. विटनेस्ड का मतलब मैंने अपनी आँखों से कभी किसी इंसान को नहीं देखा ऐसे करते हुए. एंड बाय सच एंगर यू इंजर योर ऑन करेक्टर मोर देन यू इंजर योर हॉर्स. और मालिक कहते हैं कि ऐसा बिहेवियर, ऐसा गुस्सा दिखाकर तुमने अपने खुद के करेक्टर को ज़्यादा गिराया है, ज़्यादा हर्ट किया है. करेक्टर मीन्स चरित्र. तुमने ये बताया है सबको कि तुम एक गंदे चरित्र वाले इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है. तुमने एक छोटे से हॉर्स को हर्ट किया, उससे ज़्यादा तुम्हारा करेक्टर हर्ट हुआ है जितना कि इस हॉर्स को हर्ट हुआ है, जितना कि तुमने उसको चोट पहुँचाई है. एंड रिमेंबर वी शैल ऑल हैव टू बी जस्ट अकॉर्डिंग टू अवर वर्क्स. और ये जो ये दुनिया है वो हमें हमारे काम से ही पहचानती है. अगर तुम एक घोड़े को लेकर, छोटे से पोनी को इतना इंजर कर सकते हो, तो तुम किसी को भी इंजर कर सकते हो. मतलब तुम्हारा बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, वेदर दे बी टूवर्ड्स मैन और टूवर्ड्स बीस्ट. चाहे तुम एक इंसान के तरफ अपना बिहेवियर दिखाओ या किसी एनिमल की तरफ. बीस्ट का मतलब एन एनिमल. क्योंकि तुमने एक छोटे से पोनी को इतना हर्ट किया है, तो तुम्हारा यही इंप्रेशन पड़ रहा है कि तुम किसी को भी हर्ट कर सकते हो. मास्टर रोड मी होम स्लोली एंड आई कुड टेल बाय हिज वॉइस हाउ द थिंग हैड ग्रीव्ड हिम. मालिक मुझे धीरे धीरे, मतलब घोड़े को धीरे धीरे चलाते हुए घर तक पहुंचे, और मैं उसकी आवाज़ से, वॉइस से, उनकी आवाज़ से बता सकता था कि इस ऊपर घटना को देखकर, उस पोनी की ये हालत देखकर उनको कितना दुख हुआ. ग्रीव्ड मीन्स सैडनेस, मतलब वो बहुत दुखी थे. ऑन अनदर डे व्हेन वी वर आउट वी मेट कैप्टन लैंगले अ फ्रेंड ऑफ अवर मास्टर्स. ही वॉज ड्राइविंग अ स्प्लेंडेड पेयर ऑफ हॉर्सेस. अगले दिन जब हम बाहर जा रहे थे, वी वर आउट वी मेट, हम किससे मिले, कैप्टन लैंगले से, अ फ्रेंड ऑफ अवर मास्टर्स. ही वॉज ड्राइविंग, वो मेरे मास्टर के एक फ्रेंड थे और वो वहाँ पर जा रहे थे विद पेयर ऑफ हॉर्सेस, दो हॉर्सेस के साथ जा रहे थे. स्प्लेंडेड मीन्स वेरी इम्प्रेसिव, ब्यूटिफुल. ये है मिस्टर डगलास. अभी तक जिस हॉर्स की बात हम कर रहे थे वो ये हॉर्स था जो कहानी सुना रहा है. ये उनके मालिक है मिस्टर डगलास, और ये मिले किससे, कैप्टन लैंगले से. और ये कैप्टन के दो हॉर्सेज हैं, पेयर ऑफ हॉर्सेस जिनसे वो मिले, और ये बहुत ही स्प्लेंडिड हॉर्सेज है, वेरी इम्प्रेसिव एंड ब्यूटिफुल. After a little conversation, the captain said, "What do you think of my new team, Mr. Douglas?" थोड़ी सी बातें करने के बाद, conversation means बातचीत करने के बाद,
कैप्टन मतलब कैप्टन लैंगले ने मालिक से पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय न्यू टीम, मतलब जो मैंने घोड़ों की न्यू टीम बनाई है तुम्हें कैसे लगी मिस्टर डगलास। डगलास मतलब जो घोड़े का मालिक था। यू नो यू आर द जज ऑफ हॉर्सेस इन दीज पार्ट्स। कैप्टन कहते हैं तुम्हें मालूम है कि तुम हॉर्सेस के जज हो, मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से हॉर्सेस को जज करना जानते हो। इन दीज पार्ट्स मतलब हमारे यहाँ हमारे देश में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तुम सबसे अच्छे जज हो। एंड आई शुड लाइक योर ओपिनियन, और मैं तुम्हारा विचार तुम्हारे जजमेंट को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे ओपिनियन में तुम्हारे विचार में मेरे दोनों घोड़े कैसे हैं। द मास्टर बैग्ड मी अ लिटल सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम। मास्टर ने मतलब मालिक ने मिस्टर डगलास ने मुझे थोड़ा सा पीछे किया, मतलब घोड़े को पीछे किया ताकि वो उन दोनों घोड़े की अच्छी व्यू ले सके, अच्छी तरह से उन्हें देख सके। दे आर एन अनकॉमन हैंडसम पेयर ही सेड। मिस्टर डगलास कहते हैं कि जो तुम्हारे दोनों हॉर्सेज हैं वो एक अनकॉमन मतलब आसानी से पाए जाने वाले नहीं हैं, वो बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत कम दिखते हैं, और हैंडसम पेयर है, बहुत ही स्मार्ट और सुंदर लग रहे हैं। एंड इफ दे आर एज गुड एज दे लुक आई एम श्योर यू नीड नॉट विश फॉर एनीथिंग बेटर। और अगर जैसे वो दिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे ही है, तो तुम्हें इससे अच्छी चीज़ की चाहत नहीं होगी। यू डोंट विश मतलब और कोई चाहत नहीं होगी तुम्हारी। बट आई सी यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेस विद दैट थिंग एंड लेसन देयर पावर। पर मैं फिर भी देख रहा हूँ, मिस्टर डगलस कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हॉर्सेस को ट्रबल कर रहे हो, मतलब परेशान कर रहे हो विद कुछ चीज़ों से, विद दैट थिंग्स एंड लेसन देयर पावर, और उनकी जो पावर है उसको कम कर रहे हो। अब हम यहाँ कैसे बता सकते हैं कि मिस्टर डगलस को पीछे स्वेयर से जब वो मिले थे तो उनको क्या चीज़ परेशान कर रही थी, उसके चेक रिंस। तो यहाँ पे भी वो चेक रिंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कैप्टन है उन्होंने भी अपने दोनों हैंडसम हॉर्सेस के चेक रिंस लगाए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि तुमने चेक रिंस लगाकर उनके पावर को कम कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग सेड द अदर द चेक रिंस। अब यहाँ लैंगले कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है दैट थिंग से, कि कौन सी दैट थिंग है जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। तो मिस्टर डॉगलास कहते हैं कि मैं चेक रिंस की बात कर रहा हूँ। ओ आ आई नो स्टॉपिंग दोज इज अ हॉबी ऑफ यूअर्स। तो मिस्टर लैंगले कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि चेक रिंस के तुम खिलाफ हो, कि चेक रिंस लगाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और कोई लगाता है तो तुम उसको हटा देते हो, ये तुम्हारी फेवरेट हॉबी है कि तुम इसी के बारे में बात करते रहते हो। वेल द फैक्ट इज आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप। तो मिस्टर लैंगले कहते हैं कि मैंने चेक रिंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे हॉर्सेस हैं उनका जो हेड है वो ऊंचा रहे, वो नीचे ना करके रखे, इसलिए मैंने चेक रिंस लगाए हैं। सो डू आई सेड मास्टर बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप। सो डू आई मिस्टर डगलस कहते हैं मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घोड़े सिर ऊंचा कर कर चले। सेड मास्टर मालिक ने कहा, बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप, पर मैं ये नहीं पसंद करता कि मैं उनको बांध कर चक्रिन से बांध कर उनको खींच कर रखूँ। नाउ यू आर अ मिलिट्री मैन लैंगले एंड नो डाउट यू लाइक टू सी योर रेजिमेंट लुक वेल ऑन परेड। मिस्टर डगलास कहते हैं कि हाँ लैंगले तुम अब क्या हो, नाउ यू आर अ मिलिट्री मैन। मिलिट्री मैन मतलब तुम आर्म्ड फोर्सेस का वर्क करते हो, तुम सोल्डियर हो।
लैंगले एंड नो डाउट यू लाइक टू सी यूर रेजिमेंट्स. रेजिमेंट्स मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट इज कमांडेड बाय अ कलोनल. एक बहुत बड़ा ग्रुप जो सोल्जर्स का है उसको कहते हैं रेजिमेंट. नो डाउट यू लाइक टू सी यूर रेजिमेंट मतलब तुम अपने जो सोल्जर्स का ग्रुप है उसको तुम पसंद करते हो कि वो परेड में ऊपर देखें. लुक वेल ऑन परेड अच्छे लगे. एंड यू से हेड्स अप तुम उनको क्या कहते हो कि हेड्स अप करके रखो टू देम. बट यू वुड नॉट टेक क्रेडिट फॉर यूर ड्रिल इफ ऑल यूर मैन हैड देयर हेड्स टाइड टू अ बैक पोल. पर अगर उनके पीछे एक बैक बोर्ड लगाकर उनका हेड ऊपर किया जाए और कहा जाए कि ऐसा तुमने किया है तो उसका क्रेडिट तुम्हें लेना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें भी फील होगा कि तुमने उनके साथ कुछ क्रूअल किया है. एंड इट इज़ जस्ट द सेम विद हॉर्सेस. और हॉर्सेस के साथ भी वही चीज़ है. हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हॉर्सेस हैं वो अपने हेड को हाई रखें हेल्ड अप करें पर उनके पीछे बैकबोर्ड जैसी कोई चीज़ बांध कर नहीं रखनी टाई नहीं करनी या चेक रेंस नहीं बांधने. वो खुद ही प्राउड फील करके अपने हेड्स को ऊपर करें. यू मे डिपेंड अपॉन इट हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स फ्री एज अवर्स आर. यू मे डिपेंड अपॉन इट मीन्स तुम मेरी बात पे विश्वास कर सकते हो कि तुम अपने हॉर्स का हेड जो है वो ऊंचा बिना किसी चेक रेन के भी ऊंचा कर सकते हो. Horses were intended to have their heads free. जो horses हैं उनके जो head है वो free होने चाहिए तभी वो खुश रहते हैं और अच्छे दिखते हैं. As free as ours are. जैसे हम अपने head को free रखते हैं वैसे ही हमारे horses के head भी free होने चाहिए. And if we could act a little more according to common sense and a good deal less according to fashion. We should find many things work easier. वो कहता है if we could act a little more, अगर हम और कुछ अच्छा करना चाहते हों according to common sense, अपने common sense use करके and a good deal less according to fashion. Fashion को छोड़कर जो सब लोग करते हैं जिसको follow करते हैं उसको छोड़कर अगर हम अपनी तरफ से कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए. वी शुड फाइंड मैनी थिंग्स वर्क इजियर. बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं. आई बिलीव यू आर राइट कैप्टन लैंगले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो. सेड द अदर आई विल थिंक अबाउट इट. वो कहते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा. एंड सो दे पार्टेड वो अपने अपने घर को चले जाते हैं. This was the lesson in kindness that I learnt at Birdwick. This was the lesson in kindness. मतलब ये एक lesson था kindness का जो मैंने सीखा. किसने सीखा? Horse कहता है. Black Beauty horse कहता है कि मैंने एक kindness का lesson सीखा. I learnt at Birdwick. Birdwick में रहकर मैंने ये एक lesson सीखा. Extracted from Black Beauty by Anna Sewell. एना सेवल के द्वारा लिखी गई ब्लैक ब्यूटी नाम का एक पूरा नोवेल है जिसमें से ये एक छोटी सी स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है मतलब ली गई है. थैंक यू फ्रेंड्स.